हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टंग के बारे में कुछ बताऊंगी। आपके एवीएस में एक चैप्टर है टंग एंड टीथ, तो आप ध्यान से देखिए टंग क्या है, टंग के कितने टेस्ट बर्ड्स होते हैं और टंग क्या काम करती है। द टंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू स्पीक। द टंग गिव्स अस द सेंस ऑफ टेस्ट। द टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द टेस्ट। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा आप। ये हमारी टंग का मैंने एक डायग्राम बनाया है। आप यहाँ देखिए, बीटर है, ये सोर है, यहाँ पर भी सोर है और ये सॉल्टी एंड स्वीट। अब देखिए हमारी जो पूरी टंग है इसके ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं, पूरी टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है। दीज टेस्ट बड्स आर ग्रुप इन टू फोर बेसिक टेस्ट। ये जो टेस्ट बर्ड है ये फोर बेसिक टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। और कौन कौन से फोर टेस्ट हैं वो आप देख ही रहे हैं, बीटर, सोर, स्वीट एंड सॉल्टी। ये चार हमारे जीप के टेस्ट होते हैं, टंग के टेस्ट होते हैं। आप देखिए जो सबसे ऊपर है ये बीटर है, साइड में सोर है और यहाँ पे हैं सॉल्टी एंड स्वीट। आप देखिए जो हमारी टंग का टिप ऑफ द टंग है, जहाँ से हमारी टंग स्टार्ट है, ये हमारी टंग का टिप है, तो ये सॉल्टी और स्वीट को रिकॉग्नाइज करता है। टेस्ट बर्ड जो है वो किसको, सॉल्टी और स्वीट को पहचानता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड होता है एट द बैक ऑफ द टंग। अब ये टंग का जो हमारा पीछे का हिस्सा है, बैक ऑफ द टंग, एट द बैक ऑफ द टंग आर सेंसिटिव टू बीटर टेस्ट, और ये बीटर को पहचानता है यानी कड़वी चीज़ों को टेस्ट करता है, ये वाला जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा है। उसके बाद आता है एट द साइड्स आर सेंसिटिव टू सोर। अब ये हमारी जीभ के जो साइड वाले हैं ये सोर यानी खट्टी चीज़ों को पहचानते हैं। ये देखिए ये सोर दोनों साइड हमारी जीभ की है, ठीक है, ये सोर को पहचानते हैं यानी खट्टी चीज़ों को। While those at the side are sensitive to sore, अब मैंने आपको बता दिया है जो साइड वाले हैं वो सोर होते हैं। देखिए टंग के जो पीछे है वो बीटर टेस्ट को पहचानते हैं, टेस्ट बर्ड, स्वीट एंड सॉल्टी टिप ऑफ द टंग, और जो साइड में है वो सोर टेस्ट को, और टेस्ट बर्ड हमारी पूरी टंग पर होती है। तो ये हमारा टंग का डायग्राम था। मैंने आपको समझाया कि चार तरह के टेस्ट होते हैं, स्वीट, सोर, बीटर, सॉल्टी, और जो हमारी टंग है उसके ऊपर टेस्ट बर्ड होते हैं। हमारी जो टंग होती है वो बैक्टीरिया से कवर्ड होती है, विच ग्रो इन द माउथ, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हमें टंग को साफ रखना चाहिए, जो बैक्टीरिया है वो टंग के ऊपर होते हैं, इसीलिए हमें सुबह अपनी टंग को भी साफ रखना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको टंग का डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा।